मास्टर कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मास्टर कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। हाँ जी। तो क्या बनना चाहती हैं आप? अभी एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक काम तो करना नहीं है, बहुत काम करना है, लेकिन हाँ उसमें सामाजिक कार्य करना है, ये तय है। मतलब बहुत कुछ काम करना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें करनी है। वर्तमान हालात है, देश के वर्तमान हालात है, वो जगह जगह जाके अपमानित कर रही है, तो आप इस अपमानित से कैसे उभर पाएंगे आप लोग? देखिए, उभरने की जो बात है ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप पे क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन हमें अब काम करना है तो करना है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है ना, मैंने कहा, मतलब हमेशा कहती हूँ कि वो सिर्फ एक आदर्श नहीं है, एक महान व्यक्ति नहीं है, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। उनका बचपन से लेके उनके पूरा संघर्ष, उनके मृत्यु तक, हर एक जो जीवन के उनके तरीके में एक मैसेज मिलता है आपको, उनके कोटेशन आपको एक तरीका देते हैं, तो इससे मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो आपने सावित्रीबाई फुले का, रमाबाई का नाम सुना होगा। हाँ जी। रमाबाई ने अपने जीवन में कितने कठिन परिश्रम करा था कि वो, अगर रमाबाई नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल होता अम्बेडकर को अम्बेडकर बनने में, क्योंकि एक महिला, बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला का वो जो उन्होंने उस टाइम दर्द सहा था, उस टाइम अपने बच्चे खोए, ये आसान बात नहीं होती है। उन्होंने उपले पात कर, बिल्कुल उपले पाते, दूसरे के घरों में काम किए, ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता। यहाँ हम बात करते हैं राइट्स की, और मैं अगर हूँ और मुझे इस तरीके से करना पड़े तो मैं क्वेश्चन करूँगी कि आप मुझे तो पहले एक सम्मानपूर्ण राइट वो दीजिए, सम्मानपूर्वक जीवन दीजिए। लेकिन वहाँ पर वो ये समझ रही थी कि इस समय उनका सिर्फ अपने लिए ही नहीं, एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उनका जो योगदान है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार बोला था, और उनको पता भी नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी पूरे परिवार को कैसे चला रही है। जब बाबा साहब लंदन से वापस आए तो उन्होंने, किसी ने बताया कि अम्बेडकर आपको पता है रामाबाई किस तरीके से घर को चला रही है, ये और आप विदेश में थे, आपको पैसा भी भेजती थी कि उपले पात कर, उनको बेच कर ये आपके यहाँ पैसा भेजती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों में आंसू आए थे, वो रोने लगे थे, वो कहने लगे कि रामाबाई मैं तेरा एहसान इस दुनिया में कभी नहीं चुका पाऊँगा। तो इस तरीके से आपको भी महान बनना है क्या? हाँ, काम तो करना है, क्योंकि अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, ये सब इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, और अगर हम तो एक बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, ये जो अभी वर्तमान समय में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, ये हम इसे अब टैकल कर सकते हैं, इसे झेल सकते हैं, इसके लिए लड़ सकते हैं, तो अब आगे तो काम करना ही है, पीछे तो हटना नहीं है। धन्यवाद।